अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे चैनल इंडस लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो है बॉलीवुड के एक मशहूर सिंधी फिल्म डायरेक्टर कुमार शानी के बारे में। कुमार शानी का जन्म 7 नवंबर 1940 में सिंध के मशहूर शहर लाड़काना में हुआ। कुमार शानी ने 1965 से 2004 तक काफ़ी फिल्म्स बनाई। उनमें जो इनकी सबसे मशहूर फिल्म थी वो थी माया दर्पण, जो 1972 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने फिल्म फेयर एवॉर्ड भी जीता। कुमार शानी की एक और फिल्म थी तरंग। तरंग 1984 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने भी फिल्म फेयर एवॉर्ड जीता। इसके अलावा इनकी 1999 में एक और फिल्म थी ख्याल गथा, इस फिल्म ने भी फिल्म फेयर एवॉर्ड जीता। इनके अलावा 1991 में इनकी एक और फिल्म थी भवन तराना, इस फिल्म ने भी काफ़ी एवॉर्ड्स जीते। कुमार शानी की एक फिल्म चार आधे 1997 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की खास बात यह थी कि यह फिल्म एक नावल पे बनाई गई थी और वो नावल था रवींद्रनाथ टैगोर का, जिसने 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में। इस फिल्म में अगर आप देखें तो इस फिल्म के डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैंने खुद भी ये फिल्म देखी हुई है। कुमार शानी ने एक बुक भी लिखी हुई है, क्योंकि वो एक खुद आथर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे। इनका एक बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में भी। सिंध में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर कुमार शानी के बारे में आज हमने आपसे मालूमात शेयर की और उसके ऊपर एक वीडियो बनाया। होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल इंडस लाइव सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।